हाय फ्रेंड्स, आज हम फेस्टिवल के लिए चार आसान सी मिठाइयाँ बना रहे हैं। इतनी आसान कि इनको बनाने के लिए सब कुछ घर में ही मिल जाएगा, बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम बनाते हैं बेसन की बर्फी। लगभग 1 किलो बर्फी बनाने के लिए बस 2 कप बेसन चाहिए। पहले बेसन को एक छन्नी से छान लें। और गैस पे एक कढ़ाई रख के 1 कप घी कढ़ाई में डाल लें। अब इसमें छना हुआ बेसन डाल लें और बेसन को लगातार चलाते रहें। गैस लो में रखें। हमने बेसन को लो गैस में ही भूनना है। जब बेसन घी में धीरे धीरे भूनेगा तो इसमें से गजब की खुशबू आएगी, वरना अगर गैस हाई पे रही तो बेसन जल जाएगा और बर्फी सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। शुरू में ये थोड़ा टाइट लगता है, पर जैसे धीरे धीरे बेसन गर्म होता है तो ये घी छोड़ना शुरू कर देता है। अब बेसन कितना हल्का हो गया है देखिए, और इसमें से खुशबू भी लाजवाब आ रही है। अब ये जल्दी से भून भी जाएगा। ये थोड़ा गोल्डन हो गया है। अब गैस बंद कर देते हैं, थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देते हैं और हम इसके लिए शुगर सिरप बना लेते हैं। एक पैन लेके 1/3 कप पानी डाल लें और ऊपर से 1 कप चीनी डाल लें। वैसे तो लोग जब सुनते हैं कि 1 या 2 तार की चाशनी बनानी है तो बर्फी बनाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर लेते हैं, पर आप तारवार के चक्कर में मत पड़िए, बस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग चलिए। 1 कप चीनी और 1/3 कप पानी एक बार उबालना है और आपकी एकदम सही मेजरमेंट वाली चाशनी बन जाएगी। इसमें थोड़ा इलायची का पाउडर डाल लीजिए और 3-4 बूंदे सनसेट येलो या ऑरेंज कलर की भी डाल लें। कलर नहीं है तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। टेस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाशनी बन गई है तो गैस बंद कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए चाशनी को ऐसे ही रहने देते हैं। और आइए तब तक हम एक ट्रे लेके ग्रीस कर लेते हैं। अब बेसन भी ज्यादा गर्म नहीं है और चाशनी के बबल्स भी बैठ गए हैं, तो बेसन में चाशनी मिला लेते हैं। इसको धीरे धीरे अच्छी तरह से मिलाइए। और ऊपर से 2 चम्मच घी के मिला लें। इसको ट्रे में डाल लीजिए। थोड़ा टैप करके बबल निकाल लें। ऊपर से अगर ड्राई फ्रूट्स लगाने हैं तो लगा लीजिए या वैसे ही ऊपर से डाल लीजिए। और अब इसको रूम टेम्परेचर में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने दें। बर्फी तो बिल्कुल रेडी है, इसके पीसेस कर लेते हैं। तो जल्दी से ट्राई कीजिए। बस आपको बेसन भूनने में थोड़ा ध्यान देना है और मेजरमेंट्स एग्जैक्ट रखिए। तोड़ के देखिए, जरा एकदम सॉफ्ट है अंदर से। खुशबू जबरदस्त है इसकी और टेस्ट एकदम सही। आइए हम दूसरी मिठाई बनाते हैं, जो है नारियल की बर्फी। एकदम सॉफ्ट, मुंह में ही घुल जाने वाली। एक पैन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी के ले लें
और अब हम इसमें मिलाएंगे 4 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसको हम सूखा नारियल का बुरादा भी कहते हैं। ये कोकोनट पाउडर किसी भी ग्रोसरी शॉप में बड़ी इजीली मिल जाता है। थोड़ा चला लें ताकि घी अच्छी तरह से नारियल में लग जाए, पर आपने नारियल को ज्यादा भून के ब्राउन नहीं करना है, तो लो गैस में ही चलाएं। अब इसमें 1 कप दूध डाल लें। दूध फुल क्रीम हो तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज कोई भी चलेगा। अब 1 कप चीनी डाल लें। और तब तक चलाते रहें जब तक चीनी पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इसको आप खा के देख सकते हैं, चीनी के क्रिस्टल मुंह में नहीं आने चाहिए। अब इसमें लगभग 1/2 कप कंडेंस मिल्क डाल लें और थोड़ा चला लें। अगर घर में कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी 5 मिनट वाली कंडेंस मिल्क की रेसिपी लिंक पे देख सकते हैं। और अगर कंडेंस मिल्क डालना ही नहीं चाहते तो 1 कप दूध और 1/2 कप चीनी और मिला लीजिए। बस इसको आपको थोड़ा ज्यादा लगभग 15 मिनट और चलाना पड़ेगा। आइए अब एक ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। वैसे तो अब नारियल की बर्फी तैयार ही है, पर अगर आप इसमें कलर मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। इसको 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड करके, मैं 1/2 पोर्शन को तो ऐसे ही ट्रे में डाल रही हूँ। इसकी एक लेयर लेवल करके सेट कर लेते हैं। और ये 1/2 पोर्शन में थोड़ा येलो कलर मिला रही हूं। आप पिंक, ग्रीन, जो चाहे वो कलर मिला सकते हैं। अब इसको पहली लेयर के ऊपर डाल के लेवल कर लें। अब ऊपर से थोड़ा नारियल का चूरा डाल लीजिए। और 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें। अब इसको बर्फी की शेप में काट लें। मैं आपको एक बर्फी का पीस दिखाती हूँ। ऐसी ही मिलती है ना 2 कलर वाली बाजार में नारियल की बर्फी। देखिए कितनी सॉफ्ट है, कम से कम 6-7 दिन तो ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी। तो एंजॉय कीजिए, और ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी दे दीजिए। हमारी तीसरी मिठाई है लौकी की बर्फी। सबसे पहले हम थोड़े ड्राई फ्रूट्स घी में रोस्ट कर लेते हैं। अब लौकी लेके इसको कस लेते हैं। मैंने 1/2 किलो लौकी ली है, आप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम कर सकते हैं। एक कढ़ाई या पैन में 2 बड़े चम्मच घी के लेके ग्रेट की हुई लौकी डाल लीजिए। पांच मिनट के लिए इसको ढक लीजिए। अब इसमें 1 कप दूध डाल के चला लीजिए और थोड़ा सुखा लीजिए। इसमें अब आपको 1/2 चम्मच इलायची पाउडर मिलाना है और 1/2 कप मिल्क पाउडर मिलाना है। यहाँ पर मैं मावे की जगह मिल्क पाउडर मिला रही हूँ। एक तो मिलावट का डर नहीं, और दूसरा मिल्क पाउडर से बर्फी मावे से भी ज्यादा सॉफ्ट बनती है। अब इसमें 1/3 कप चीनी मिला लीजिए और ऊपर से जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी मिला लीजिए।
अब इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, तो अगर आप नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं। बस लौकी की बर्फी ग्रीन कलर में बहुत अच्छी लगती है। अब आखिर में इसमें आधा कप सूखा नारियल का बुरादा डाल लें। और एक ट्रे में निकाल लें। अब इसको 2 घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं। ये एकदम सेट हो गई है। हम इसको अब बर्फी की शेप में काट लेते हैं। और ये देखिए, जो लोग लौकी नहीं खाते हैं उनको भी गारंटी के साथ अच्छी लगेगी। सो सॉफ्ट और मजेदार लौकी की बर्फी रेडी है। और हमारी चौथी मिठाई है चना दाल बर्फी। इसके लिए हमको सब कुछ घर में ही मिल जाएगा। हम लेंगे 2 कप चने की दाल, 1 कप घी, दाल फ्राई करने के लिए 3 से 4 बड़ी इलायची, 10 से 12 छोटी इलायची, 1 चुटकी इलायची पाउडर, 12 से 15 साबुत काली मिर्च, 2 लीटर दूध और 1 कप शुगर। हम चने की दाल को एक बर्तन में 2 से 3 घंटे के लिए भिगा लेते हैं। दाल अच्छे से भीग गई है। अब इसको छान लेते हैं और एक कपड़े में निकाल लेते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे सूखने देंगे और तब तक हम दूध को उबाल के काढ़ने के लिए रख देते हैं। अब इसको लो फ्लेम में थोड़ी देर के लिए रख लें। तब तक हम दाल को घी में फ्राई कर लेते हैं। हमने अब दाल को अच्छी तरह से घी में फ्राई करना है, जब तक दाल अच्छे से क्रंची ना हो जाए। अब इसको हम एक मिक्सी में डाल लेते हैं। इसी में हम इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च भी मिला लेंगे। ओके, ये हो गया है। दूध भी गाढ़ा हो गया है, आधा रह गया है। इसमें इलायची पाउडर डाल लेते हैं, चीनी मिला लेते हैं और थोड़ा चला लेते हैं। अब पिसी हुई दाल धीरे धीरे मिला लेते हैं। ये बहुत जल्दी से सॉलिड हो जाती है। आपको इसे चलाते रहना जब तक ये कढ़ाई में घी ना छोड़ने लग जाए। अब हो गया है। इसको किसी ट्रे या फ्लैट बर्तन में निकाल लें और ऊपर किसी करछी की हेल्प से प्लेन कर लें। ऊपर से नारियल का चूरा डाल लें और 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख लें। अब आपकी टेस्टी बर्फी रेडी है। इसको ऊपर से बर्फी की शेप में काट लें। और अब मुझे वेट है 1 लाइक का आपकी तरफ से और आपके अच्छे से कमेंट का। शेयर तो आप करोगे ही, एंड यस सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।